मस्त दोनों हस्बैंड वाइफ सुट्टा। राहुल इन लड़कियों को ही देखे जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, तो आज हम जाने वाले हैं लंदन। तो मैंने सोचा कि मैं आज का व्लॉग बना लेती हूँ। एक्चुअली लंदन में ना क्रिसमस टाइम पे ना कुछ स्पेशल लाइट्स लगती हैं जो कि साल में सिर्फ एक ही बार लगती हैं, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना वो लाइट्स देखने जाएं। तो आज हम जा रहे हैं सेंट्रल लंदन और उसी के साथ हम जाएंगे हैमलीज, बिकॉज ओजस का बर्थडे आने वाला है। तो हमने सोचा कि साथ के साथ हम लोग हैमलीज भी चले जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यही होने वाला है कि हम लंदन में क्या क्या करने वाले हैं, क्या मस्ती होने वाली है। तो स्टे विद मी, बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं लंदन घूमने। तो ये ओजस भी रेडी हो गया है एंड राहुल भी वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं कब आऊंगी। तो हम लोग अब निकल चुके हैं। बस अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक मिला है, लेट्स सी कि कैसे हम जल्दी जल्दी पहुँचे, बिकॉज फिर वहाँ पे टाइम कम मिलता है। देखते हैं हाउ द डे इज। सब राहुल ने लेट कराया, हमें इतना देर लगा दी निकलने में। हाँ, मुझे दो घंटे लग गए थे अपने मेकअप वगैरह में ना। हाँ, सारे मेकअप तो तुम ही करते हो ना, मैं तो करती हूँ मेकअप। और जिस किसने लेट किया, मम्मा ने पापा ने? पापा ने है ना, पापा ने लेट किया ना। क्या कर रहे थे पापा, मोबाइल देख रहे थे ना बैठ के? देख लिया पापा ने लेट किया है, मम्मा ने तो मम्मा का बॉय है ही ना ऑलरेडी। पापा का बॉय थोड़ी वो है ना, ओजस ओजस मम्मा का बॉय और पापा का बॉय। मम्मा का बॉय, बस अब हम लोग लंदन में एंटर कर रहे हैं। तो ये यहाँ का काफी अच्छा फेमस म्यूजियम है, देखिए कितना बढ़िया है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं और हमने कार भी पार्क कर दी है, अभी हम पार्किंग में ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं हैमलीज, क्योंकि वो जस्ट तब से बोल रहा है मुझे टॉय शॉप पे जाना है, टॉय शॉप पे जाना है। तो हम सबसे पहले जाएंगे हैमलीज और फिर शाम को हम लोग लाइट्स देखेंगे। तो ये लॉकडाउन है यहाँ पे, सो यू कैन सी ऑल द लॉकडाउन। देख सकते हैं इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, आज तो पूरा मेला लगा हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। आई थिंक सब लोग क्रिसमस शॉपिंग के लिए निकले पड़े हैं। फिर राहुल और रजेश खड़े रहे, मास्क पहन लो पहन लो। बिग क्यू, इतनी लंबी क्यू लगी हुई है हैमलीज पे अंदर जाने के लिए। अब हम भी लाइन में ही लगेंगे। देखो ये ऐसा होता है आफ्टर लॉकडाउन इफेक्ट्स। तो ये हमारे आगे वाली आंटी ने पिंक कलर कराया हुआ है अपने ऊपर और मस्त दोनों हस्बैंड वाइफ सुट्टा मार रहे हैं, फ्लेवर्ड सुट्टा मार रहे हैं ना राहुल। ये कौन सा फ्लेवर है, वेनिला? मुझे क्या पता। इट्स ऑल द क्रिसमस डेकोरेशंस। राहुल बड़ा बड़ा था, क्रिसमस। कहीं और चले, बस ये कार से देखनी है आपको और कुछ नहीं देखना। ये ले ले मुझे आपके लिए फिर। ओके ठीक है, चलो फिर लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे। अगेन इट्स वेरी क्राउडेड, बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है ये। तो यहाँ पर जो पूरा क्रिसमस की डेकोरेशंस लगी हुई है दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर ये एक स्पेशल सेटअप लगा हुआ है क्रिसमस फोटोज़ के लिए। लोग यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो शूट्स कराते हैं क्रिसमस पे, तो उसी का एक ये छोटा सा फ़ोटो बूथ बना हुआ है। तो यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, तो हमने भी एक फ़ोटो शूट कराया था। तो इस तरीके का एक फ़ोटो फ्रेम था, ग्लास फ़ोटो फ्रेम जो हमने चूज़ किया है, और ये इस तरीके से हमारा फ़ोटो फ्रेम बना है। राहुल इसको शेक करके दिखाना। तो ये इस तरीके का फ़ोटो फ्रेम हमने बनवाया है। तो अब हम लोगों ने फैमिली से शॉपिंग तो कर ली है, फाइनली अब बाहर आके हमें सांस आ रही है, मास्क लगा लगा के हालत बुरी हो गई वहाँ पे, क्योंकि इतना लोग थे, इतना सफोकेशन हो रहा था मास्क में, तो अब अच्छा लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं, जंगल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कुछ खाने जा रहे हैं, बिकॉज बहुत भूख लगी है, बहुत देर हो गई है। तो यही लाइट्स है जो हमारे पीछे देख सकते हैं, तो अभी हम लाइट्स पूरी तसल्ली से देखेंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं और ये जंगल थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है, पूरा उन्होंने जंगल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है अंदर, और स्पेशली बच्चों को बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स भी हैं, और काफ़ी अच्छी जगह थी। तो इसीलिए मैंने इसको नेक्स्ट व्लॉग में कवर किया है, ताकि मैं डिटेल में आपको इस जगह के बारे में बता पाऊँ। तो अब हमने खाना खा लिया है और हम जा रहे हैं बाहर लाइट्स देखने। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत ही सुंदर लाइट्स लगी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, फेरी लाइट्स हैं ये। तो प्लीज़ देखते रहिए आगे, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, पूरी क्रिसमस की चहल पहल है। तो ये पूरा पिकाडिली सर्कस का एक व्यू है, और जो आप ये स्ट्रीट्स देख सकते हैं जहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, और अभी हम इन्हीं स्ट्रीट्स की वॉक करने जाएंगे। इसके अलावा और भी स्ट्रीट्स में वॉक करेंगे। और ये जो स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये पूरे यूरोप की सबसे बड़ी स्क्रीन है, और ये वर्ल्ड फेमस है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर। और ये एक लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है, तो एक अलग ही माहौल बना हुआ है यहाँ पर। ये तो देखो यहाँ भी रिक्शे चल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं इस स्ट्रीट में वॉक करने। फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर ऐसे क्रिसमस पे घूमने, बट बहुत ही ज़्यादा रौनक है और बहुत ही मज़ा आ रहा है आज यहाँ पे घूम के। ठंड बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है। ये है हमारी दूसरी स्ट्रीट की लाइट्स। इधर भी लाइट्स लगी हुई है, फेरी लाइट्स एवरीवेयर, फेरी लाइट्स। एंड दिस
इज द क्रिसमस ट्री, बिग बिग क्रिसमस ट्री। देख सकते मस्त लड़कियां निकली हुई है तैयार होके, और यहाँ हमारी ठंड में हालत खराब हो रखी है, पर इनको ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। चलो राहुल, चले राहुल, इन लड़कियों को ही देखे जा रहे, देखे जा रहे, कम देखो, दिखा रहे, मैं नहीं देख रहा, देखे जा रहे, देखे जा रहे उनकी तरफ, वो दिखा रहे, हम नहीं देख रहे। चलो चलो जल्दी चलो, देखता रहूंगा, चलो चलो चलो। और ये है टेलीफोन बूथ, चलो चलो चलो। मुझे बहुत मजा आया, वेरी इंटरेस्टिंग। अरे बताओ ना, क्या कह रहे थे अभी? मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं कहता हूं इट इज वेरी गुड डे, आई एंजॉय इट। आज की ना ठंड से ना हालत बुरी हो रखी है, और पीछे जो लड़कियां थी ना उन्होंने क्या शॉर्ट कपड़े पहन रखे थे, मेरे हाथ फ्रीज हो चुके हैं ठंड से, एकदम लाल पड़ चुके हैं। वो भी कह रहे हैं कि इनको ठंडी लगती है, हमें यहां हालत बुरी हो रखी है। राहुल के देख देख के हालत बुरी हो रही है, उनको क्यों नहीं ठंड नहीं लग रही? बाप रे बाप, अरे सुनो कहां तो रोड पे नहीं, ओ साथी ने अभी कार चढ़वा दी हमारे पे। और अभी कितना टेम्परेचर हो गया रात को? जीरो से तो नीचे हो गए। नहीं नहीं, जीरो तो नहीं होगा, आई थिंक मतलब 4-5 डिग्री के आसपास तो होगा। अब यहाँ एलेक्सा भी नहीं है, पूछो किससे। तो काफी ज्यादा ठंडा है यहाँ से। तो फाइनली वो हमने सारी लाइट्स तो घूम ली है, तो हम वापस जा रहे हैं पार्किंग पे, और फिर हम बैक टू आवर होम। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग, घूमना। आज हम लंदन आए थे लाइट्स देख के और यहाँ का एनवायरनमेंट देख के। एक महीने बाद लॉकडाउन खुला था तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर आपको भी ये व्लॉग देख के बहुत मज़ा आया होगा। लंदन कैसा लगता है क्रिसमस में, कैसी रौनक लगती है, कैसी लाइट्स लगती है, आपने भी देख लिया होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मैं मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।